प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्या 12 से 14 तक। यीशु के स्वर्गरोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा एंद्रियस, फिलिप तथा थॉमस, बार्थलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदास। ये सब एक हृदय होकर नारियों यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से 34 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं। आज कैथोलिक कलीसिया
कलीसिया की मां मरियम का पर्व मनाती है। मां मरियम यीशु की मां थी। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5:23 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु कलीसिया के शीर्ष हैं, यानी सिर है। इसलिए मां मरियम न केवल यीशु की मां है बल्कि कलीसिया की भी मां है। आज के सुसमाचार में आप सुने हैं कि जब मां मरियम क्रूस के नीचे खड़ी थी, यीशु मरने वाले थे और यीशु ने मरियम को यौहन के हाथों सौंप दिया, और उस समय से यौहन ने मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। आज के सुसमाचार में आपने सुना। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के आदेशानुसार शिष्य पवित्र आत्मा के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। और उनको कौन तैयार कर रही थी? मां मरियम तैयार कर रही थी। वचन में आप पढ़ते हैं कि मां मरियम भी उनके साथ थी। मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषिक्त प्राप्त व्यक्ति मरियम है। मरियम ने पवित्र आत्मा का अभिषेक इस कदर पाया कि उसके गर्भ में ईश्वर मनुष्य बना। तो मानव जाति में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने वाली व्यक्ति मां मरियम है। और उस मरियम ने प्रारंभिक कलीसिया का नेतृत्व किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उनको तैयार किया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया पेंतेकोस्त के दिन। उसके लिए मरियम ने उनको तैयार किया। मां मरियम कलीसिया की मां है। वो कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर मरियम का दर्शन लोगों को प्राप्त होता है। और मरियम अपना प्रचार नहीं करती है बल्कि मरियम ईश्वर के राज्य की ओर अभिमुख होने के लिए लोगों को, विश्वासियों को आमंत्रित करती है और अपने पुत्र पर विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए लोगों को आह्वान करती है। तो आज हम उस माँ का पर्व मनाते हैं। वो कलीसिया की माँ है, हर एक विश्वासी की माँ है। यीशु की माँ हमारी माँ, यीशु की माँ कलीसिया की माँ। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे नर और नारी के रूप में बनाया। आदम की पत्नी हेवा। वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि पूरे अदन बगान के वे मालिक हैं और किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं, लेकिन जो मध्य में खड़ा था उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन सांप, या यूं कहूं शैतान, वहां पे प्रवेश करता है और हेवा के पास आता है और हेवा से संवाद करने लगता है। पूछता है कि क्या ईश्वर ने तुम्हें इस वृक्ष के बारे में कुछ कहा है? हेवा कहती है, हाँ ईश्वर ने कहा कि इसका फल खाने से हम मर जाएंगे। लेकिन शैतान ठीक इसके विपरीत संदेश देता है, कहता है कि इसके फल खाने से तुम मर नहीं जाओगे बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर की सदृश बन जाओगे। हेवा को ये बात अच्छी लगी। हेवा बहकावे में आती है और उस फल को खा जाती है और अपने पति को भी खिलाती है। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं और वे भाग जाते हैं और पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं, और ईश्वर वहां पर आता है। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो?
क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। माता मरियम के इस पर्व के दिन उस पुरानी हेवा की कहानी हमारे सामने रखी जाती है, जिस हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था, और जो नंगी हो गई, ईश्वर से भाग गई, छिप गई अपने पति के साथ। अंत में हम पढ़ेंगे ईश्वर ने उन्हें आदन बगान से बाहर किया, लेकिन उससे पहले ईश्वर ने एक प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा क्या है? सांप से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश के में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। यह एक प्रतीकात्मक बात है, यह यीशु मसीह में पूर्ण होता है। यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया, हालांकि शैतान ने उसकी एड़ी को काटने का प्रयास किया, लेकिन यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया, हेवा को शैतान ने काटा, हेवा को शैतान ने प्रलोभन दिया, हेवा शैतान के बहकावे में आई और अपने पति सहित अदन बगान से बाहर भेजी गई। लेकिन नई हेवा मां मरियम, हमने संत यौहन के पाठ सुना, यौहन एक नई सृष्टि के बारे में ही बताते हैं, इसीलिए आप सुनेंगे यौहन के सुसमाचार में पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह पुराने से पुरानी सृष्टि में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन ये हम पढ़ते हैं। तो मां मरियम इस नई सृष्टि की नई हेवा है। अगर पुरानी हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके नंगी होकर या अर्धनग्न अवस्था में आदन बगान से बाहर चली गई, तो ये नई हेवा ने ईश्वर के वचन को अपनाया, हृदयंगम किया। उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार ये नई हेवा पुरानी हेवा की तरह नहीं, बल्कि नई हेवा प्रभु के आदेश का पालन कर अदन बगान में प्रवेश करती है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों हेवाएं हमारे अंदर हैं। हम पुरानी हेवा की तरह प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु की उपस्थिति से भाग सकते हैं, अदन बगान से बाहर किए जा सकते हैं, सुख शांति से दूर हो सकते हैं, या मां मरियम की तरह, नई हेवा की तरह प्रभु के आदेश को शिरोधार कर, अपनाकर, हृदयंगम कर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, सुख शांति चयन के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और आज का सुसमाचार संत यौहन के सुसमाचार की अध्याय 19 से लिया गया था। प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उनका शरीर कांप रहा था, वे तड़प रहे थे, उनके जीवन के अंतिम पल आ चुके थे। ऐसे में यीशु ने नीचे की ओर देखा
और यीशु ने अपने प्रिय माँ को देखा जिसने उनको जन्म दिया था, खिलाया था, पिलाया था, शिक्षा दी थी और अंतिम पल तक साथ दिया था, और उस मां के दर्द को महसूस किया। संभवतः यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी, अगर वे होते तो वहां पे जरूर होते। अपनी विधवा मां के दर्द को महसूस किया और अपनी मां से क्या कहा, बगल में खड़े योहन को देखकर अपनी मां से कहा कि भद्रे नारी, यह तुम्हारा बेटा है, पुत्र है। प्रभु येसु एक अच्छे यहूदी की तरह, एक अच्छे पुत्र की तरह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। वचन में लिखा हुआ है अपने माँ बाप का आदर करना। येसु ने अपनी माँ के दर्द को महसूस किया और येसु ने उस माँ को योहन के हाथों सौंप दिया और यौहन से कहा कि यह तुम्हारी माता है। वचन में लिखा हुआ है कि उसी समय से यौहन मरियम को अपने यहां आश्रय देता है। अब एक बात को समझना जरूरी है कि जब प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर मर रहे थे उस समय प्रेरितों में से केवल यौहन ही वहां पर उपस्थित था, यानी यौहन प्रेरितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी यौहन कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यौहन के हाथों में मरियम को देते हुए यीशु ने प्रेरितों के हाथों मरियम को दिया, यीशु ने कलीसिया के हाथों मरियम को दिया। यौहन ने मरियम को अपने आश्रय दिया, मरियम को अपने घर तो नहीं ले गया, यौहन प्रेरितों के साथ रह रहा था, यानी प्रेरितों के बीच में मरियम को सब ने अपनी मां की तरह ग्रहण किया, स्वीकार किया। इस तरह मरियम कलीसिया की मां बनी। इतना ही नहीं, आज के सुसमाचार में आपने देखा कि उस मां ने अपने एकमात्र जवान बेटे को 33 साल की उम्र में तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं मम्मी। छोटे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं मम्मी पानी पिला दे, उसी तरह उस मां के सामने वो कहते हैं मैं प्यासा हूं। आगे हम पढ़ते हैं खट्टी अंगूरी चखने के बाद यीशु ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ और मर जाते हैं। लेकिन यहां पर उस मां की प्रतिक्रिया नहीं लिखी गई है। क्या माँ रोई, बिलखी, चिल्लाई, चीखी? कुछ नहीं बताया गया है। मर गए उस माँ के सामने। इतना ही नहीं, मरने के बाद उस माँ के सामने उसके पुत्र के हृदय को बेध दिया जाता है, भाले से भेद दिया जाता है। उस मां ने सब कुछ देखा। वो मां कलीसिया की मां है, क्योंकि यीशु की मां कलीसिया की मां है। आज इस महान त्योहार के दौरान हम प्रार्थना करें कि उस माता की विशेष मध्यस्थता द्वारा, क्योंकि वो स्वर्ग में है अपने पुत्र के साथ है, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें माता मरियम की तरह ईश्वर की वाणी को ग्रहण करने, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने की कृपा दे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, आज के सुंदर त्यौहार के लिए धन्यवाद देते हैं। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आज्ञाकारी बना, हमें भी तेरी इच्छा पूरी करने वाले बना, चाहे उसके लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़े। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।